आलू का चिप्स बनाएंगे 5 मिनट के अंदर, ना सुखाना ना उबालना। आलू से एक और झटपट बनने वाली नाश्ता बनाएंगे, जिसे आप इवनिंग टाइम में स्नैक्स के रूप में खा सकते हो। रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तारी के टाइम भी आप बना सकते हो, झटपट बन के तैयार होते हैं। एक बड़े साइज का आलू लिया है, जिसे छील लिया है। अब इस तरीके से जो चिप्स बनाने की कटर है, बिल्कुल पतला कटर है, तो देखिए कितना ज़्यादा पतला है कि इसके आर पार मेरी उंगली भी आप देख सकते हो, इतना ज़्यादा पतला है। इससे मोटा भी होगा, कोई भी कटर हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इजीली बनेंगे फ्रेंड्स। इसे आप बहुत महीनों तक स्टोर तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन तक आप आराम से स्टोर करके खा सकते हो। तो चलिए, आलू को ग्रेट कर लिया है। पानी को 4 बार मैंने बदल के इतना साफ पानी जब तक ना आ जाए तब तक धुल लिया है। अब इस आलू के अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। 1.5 गिलास पानी को गरम कर लिया है, वो गरम पानी इस आलू के ऊपर डालेंगे, जिससे कि ये आलू हल्का सा सॉफ्ट भी हो सके और नमक का स्वाद भी अंदर तक जा सके। गरम पानी डालने की ज़रूरत इसलिए हुआ क्योंकि हम कम टाइम के अंदर तैयार करेंगे। अगर आप 10 मिनट रख सकते हो भिगो के, तो नॉर्मल पानी में नमक डाल के आप भिगो के छोड़ सकते हो। अब 3 मिनट हो जाने के बाद गर्म पानी को फेंक देंगे और इस आलू को एक सूती के कपड़े पे लेंगे और इस तरीके से डालेंगे और बस कपड़े से पोंछ लेना है, क्योंकि आलू में अभी बहुत सारा पानी है ना, तो जब आलू को हम डीप फ्राई करेंगे तो इस पानी से बहुत ज़्यादा तेल छींटने लगेंगे, तो इसलिए पोंछ लेने से वो तेल नहीं छींटेंगे और क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। तो इसे ना फैन के नीचे छोड़ना है, ना धूप में डालने की ज़रूरत है। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए बिठा दिया था, अब डालते जाएंगे। इसे अलग से छुड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा चिपका हुआ है, छोड़ देंगे तब भी वो तेल में अच्छे से जाके अलग अलग हो जाएंगे। तेल को पहले हाई फ्लेम पर रखा था, अब जब इस तरीके से कलर चेंज हो गए हैं, इस टाइम हमने स्लो फ्लेम कर लिया है। तो देखिए ये चिप्स क्रिस्पी हो गए हैं, निकालेंगे, एक पेपर के ऊपर निकालेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो पेपर एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा भी बैच हमने फ्राई कर लिया है, निकाल लेंगे प्लेट में। अब बस इसका आवाज़ सुनिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा, एकदम क्रिस्पी। चिप्स हर कोई को बहुत पसंद आते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, लेकिन जब हम लोग बाहर मार्केट से चिप्स लेते हैं वो क्वांटिटी में बहुत ही कम रहते हैं। ऐसा लगता है कि चिप्स के पैकेट में बस हवा भरा हुआ है। तो इस तरीके से झटपट से आप बना सकते हो अपने घर पे। तो देखा सिर्फ एक आलू से कितना सारा चिप्स बन के तैयार हुआ है। ऊपर से थोड़ा काला नमक और रेड चिली पाउडर डाल दिया है, जिससे स्पाइसी हो सके। चलिए नेक्स्ट रेसिपी में बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक आलू लिया है, लेकिन इस आलू को चिप्स बनाने के जितना पतला नहीं करना है, इसलिए मैंने नाइफ से कट कर लिया है। इस तरीके से आलू के लेयर को रखना है। अब आलू को अच्छे से धुल लिया है। अब एक बोल में 1 कप ले लिया है बेसन, डाल दिया है बिल्कुल बारीक कटी हुई मिर्च। मिर्च मैंने 2 कलर में लिया है, जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। धनिया के पत्ते, नमक डाला थोड़ा सा, यहाँ पे डाल दे रही हूँ कलौंजी, मगराइल भी कहते हैं, या फिर काला जीरा। हल्दी पाउडर 2 चुटकी भर, 2 चुटकी भर रेड चिली पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला 1/2 चम्मच जितना। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरीके से एक सूखा सा बैटर बनाएंगे। फिर हल्का सा पानी हमने डाल दिया है। इस बैटर को हमें काफ़ी गाढ़ा कर लेना है, यानी कि थिक बैटर होना चाहिए। इस तरीके से आलू को डुबोए और चारों तरफ से एक मोटा सा लेयर तैयार हो सके। अब आलू को थोड़ा सा डाल देंगे। अब देखिए आलू को इस तरीके से जब अलट पलट देंगे ना, बस अच्छे से लेयर होना चाहिए, वो भी मोटा लेयर। अगर बेसन का जो आप घोल बना रहे हो वो पतला हो तो बेसन यहाँ पर और ऐड कर सकते हो। तो फ्राई कर लेते हैं, तेल हमारा अच्छा सा गरम है। अब एक एक करके इसी तरीके से डालते जाएंगे आलू को। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखा है, जिससे आलू अंदर से पक सके। तो ये देखिए धीरे धीरे जब इस तरीके से कलर आने लगे अलट पलटते हुए, कुछ मिनटों तक और फ्राई कर लिया है। फ्राई करने में 3 से 4 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। तो
तो देखिए जब चारों तरफ से इस तरीके से सुंदर कलर आ गए हैं, निकाल लिया है। अब इसी तरीके से दूसरा बैच भी डालेंगे। बस बहुत ही फटाफट बन के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए बन के तैयार हो गए हैं आलू के दो रेसिपी, क्योंकि इफ्तारी में बहुत सारे रेसिपीज़ बनाने रहते हैं। तो आलू से आप इस तरीके से टेस्टी सा बना सकते हो स्नैक्स जो बहुत ही पसंद आएंगे। और सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम के अंदर कम चीज़ों से बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएं कि आपको आलू के चिप्स पसंद है या फिर आलू के इस तरीके से पकोड़े। तो ये देखिए जो पकोड़े हैं वो तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, आलू कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और ये चिप्स कितना ज़्यादा कुरकुरा है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं, खाए पिए और मज़े करें। आज का रेसिपी अगर आपको पसंद आया है और आप रोज़ाना लव किचन के रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो आप लव किचन चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।